सर सर हमारे बीच में उपस्थित हैं और अगला जो मुख्य कार्यक्रम है वो जो आपके जिसके लिए सर हमारे बीच में बाबू जिंदाबाद जी ने अपना कीमती वक्त दिया और हम सबको राज्य बिहार जिसने मात्र 70 दिनों में लाखों लाख युवाओं को नौकरी दिया और यह मुमकिन हुआ है माननीय तेजस्वी यादव जी के पास पर। ये दुनिया का दिनों में लाखों युवाओं को नौकरी दिया और यह दिखाया कि बिहार ये मिसाल बन सकता है पूरे देश के लिए। जो आप बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उसे साबित कर दिखाया है माननीय तेजस्वी यादव जी ने कि कैसे बेरोजगारी दूर की जाती है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। ये बिहार के मिसाल बन चुके नेता हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का आगमन हो चुका है मसौरी के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में, मसौरी के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और ये हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का आगमन हो चुका है तो मैं चाहूंगा तमाम लोगों से जो गांव पालियों के साथ उनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री पर पहुंच रहे हैं माने बिहार के उप मुख्यमंत्री जन जन तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हमने अपने लोकप्रिय विधायक का श्रीमती रेखा देवी जी से अनुरोध करूंगा का कैसा हो महागठबंधन के जितने भी साथी हैं जो खास करके मसौरी के लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेखा देवी अपने नेता जी को मुख्य से स्वागत करते गणतंत्र दिवस जो है आज के दिन ही जो है संविधान जो है देश में लागू हुआ है और मेरा मानना है अगर किताब अगर कोई है तो संविधान का किताब बहुत जरूरी हो सकता है। हम सब लोग आज के दिन देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है मिल करके आप सब लोग जो है भाईचारे के साथ आपको बुलाने का काम और आप सब लोग हमारे मान्य तो आज मसौली के इस गांधी मैदान में यहाँ पर हर्ष और खुशी है कि आप हमने इतना मान और सम्मान देने का काम और दायित्व और जिम्मेवारी आप लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी से हम लोग निभाने का पहले भी कहते थे अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके लिए लगातार हमारी महंगा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जो है देश सर के अंदर हम लोगों ने देने का काम इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं किया और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा।
हम सब लोग ने कमिटमेंट किया था उस चीज को हम लोग पूरा करें और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करें तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम फिर पुनः धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।